नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपकी आमदनी बढ़ाने के सटीक तरीके के बारे में। जी हां दोस्तों, एक ऐसा शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला देने जा रहा हूं जिससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है, आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, आपकी ग्रोथ बढ़ सकती है। सबसे पहली चीज ये बात समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति जितनी भी इनकम करता है वो उसी के अनुपात में होती है जिस अनुपात में उसकी व्यक्तिगत ग्रोथ होती है। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी बढ़े, यदि आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा पैसा दिया जाए, यदि आप चाहते हैं आपकी नौकरी में तरक्की हो, यदि आप चाहते हैं बिजनेस में लोग आपको ज्यादा पैसा दें, तो आपको अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ को बढ़ाना होगा, व्यक्तिगत रूप से बड़ा बनना होगा, अपने अंदर गुणों को डेवलप करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप व्यक्तिगत ग्रोथ करते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही आपकी आमदनी भी बढ़ती चली जाएगी, आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। हर मोहल्ले में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, आपके मोहल्ले में भी होंगे। मैं दो डॉक्टर का एग्जाम्पल देता हूं। एक डॉक्टर ऐसा है जो आपकी गली के पास में है और आपके घर के बगल में ही है, ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है, 50 रुपए में दवाई भी देता है 3 टाइम की और देखने के भी पैसे नहीं लेता। वहीं दूसरा डॉक्टर है जो 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, 500 रुपए या 1000 रुपए अपॉइंटमेंट के लेता है, दवाई भी नहीं देता है। लेकिन जब कभी हम सीरियस बीमार हो जाते हैं या हमें लगता है कि हमारे बच्चे को या परिवार के किसी व्यक्ति को सीरियस बीमारी है, तो हम गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हम उस 50 रुपए में 3 टाइम की दवाई देने वाले डॉक्टर के पास ना जाकर के 500-1000 रुपए में जो केवल देखेगा दवाई भी नहीं देगा, हम उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या है उस डॉक्टर में? हाँ, वो डॉक्टर एक्सपर्ट है तो उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ। आप एक्सपर्ट नहीं है, क्यों नहीं है, किस चीज के एक्सपर्ट हैं आप? अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो बनाइए अपने आप को एक्सपर्ट, अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, और जब जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी आपकी आमदनी, आपकी इनकम भी अपने आप बढ़ जाएगी और उसी अनुपात में बढ़ेगी जिस अनुपात में आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे, जिस अनुपात में आप अपने गुणों को डेवलप करेंगे, उसी अनुपात में आपकी कमाई भी बढ़ती चली जाएगी। और यदि आपके पास कोई अपनी समस्याओं को लेकर के नहीं आ रहा है, आपके पास किसी की समस्या का समाधान नहीं है, तो यकीन मानिए कोई आपको इंटरटेन नहीं करेगा, आपने अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाई है, आप किसी के जीवन में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, लोग आपको पैसे नहीं देंगे। आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस किसी के जीवन को आसान बनाने वाली होनी चाहिए, और यदि वो जीवन को आसान बना रही होगी, उनकी समस्याओं के समाधान कर रही होगी, तो वो आपको पैसे देंगे, आपकी कीमत बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, और उसी अनुपात में बढ़ेगी जिस अनुपात में आप व्यक्तिगत ग्रोथ करते रहेंगे। और जब तक करते रहेंगे तब तक आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, नौकरी में रहकर के बढ़ा सकते हैं, बिजनेस में रहकर के बढ़ा सकते हैं। और जब भी नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ये मत सोचिए आपको मिल क्या रहा है वहां से, बल्कि ये सोचिए कि आप कैसे व्यक्ति बन रहे हैं। बिजनेस को करते करते आप किस तरह के व्यक्ति बन रहे हैं, नौकरी करते करते आप किस तरह के व्यक्ति बन रहे हैं, आपके अंदर कौन से नए गुण आ रहे हैं, आप कौन से पुराने गलत चीजों को, गलत अपनी कमियों को या अपनी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, आपको वो नौकरी या बिजनेस किस तरह का व्यक्ति बना रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि ये कि आपको वहां से मिल क्या रहा है। और जब जब आप एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति बनेंगे, जब आपके अंदर गुण होंगे, जब आपकी वैल्यू ऐसा ऐसा बढ़ रही होगी, तो आपके पास जो पैसा आ रहा है वो पैसा बढ़ेगा, आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विस की वैल्यू ज्यादा होगी, आप जहां नौकरी कर रहे होंगे वहां आपकी वैल्यू ज्यादा होगी, और फिर कभी नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, कभी नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं मालिक से या कंपनी के एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करनी पड़े कि मुझे ज्यादा पैसा दिया जाए। नहीं, आप हमेशा तय करिए कि आप ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, और जिस अनुपात में बढ़ाएंगे मैंने कहा है उसी अनुपात में बढ़ेगी। और कई बार आपने देखा होगा अचानक किसी को विरासत में या कहीं से या लॉटरी लग गई, कहीं से पैसा आ गया, कई बार आ जाता है अचानक पैसा आ जाता है, क्या होता है, वो व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास तो इस लेवल का था और पैसा या चीजें बड़े लेवल की मिल गई, ऐसा हम देखते हैं कि वो वापस उसी को उस लेवल पर आ गया जो उसका लेवल था। यदि उसने अपना व्यक्तित्व विकास नहीं किया, यदि आप उस व्यक्ति ने अपने आप को डेवलप नहीं किया उस बड़े लेवल की चीज को संभालने के लिए, तो यदि आपको ज्यादा पैसा मिल भी गया, यदि आपके पास ज्यादा संसाधन भी आ गए, यदि आपने पैसा या रिसोर्सेज इकट्ठे कर भी लिए और आपका व्यक्तित्व विकास नहीं हुआ है, आपके अंदर वो गुण नहीं है, वो क्षमता नहीं है उन चीजों को संभालने की, तो फिर क्या होगा, वो ऐसा ऐसा चीजें छूट जाएंगी और आप जहां पहुंचे थे वापस नीचे आ जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, लोग तरक्की कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर नीचे आ जाते हैं।
तो अगर अगर वाकई आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो श्योर शॉर्ट फॉर्मूला व्यक्तिगत ग्रोथ का है। मैं जीवन में अपना एग्जाम्पल दे सकता हूं, बहुत सारे अपने नौ लोगों का एग्जाम्पल दे सकता हूं, जिन लोगों को मैंने खुद देखा कि उनकी वैल्यू कम थी तो उन्हें कम पैसा मिल रहा था, जब उन्हें अपनी वैल्यू डेवलप की तो उन्हें ज्यादा पैसा मिलने लगा। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू कितनी है वो आप तय करते हैं, और इस वैल्यू को बढ़ाइए। आपकी नॉलेज, आपका कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हर वो चीज जो आप डेवलप कर रहे हैं वो आपकी वैल्यू को डेवलप करेगी, आपकी कीमत को बढ़ाएगी, और फिर लोग आपको ज्यादा पैसा देने को तैयार होंगे। तब आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज शायद होंगे, और जब ये ज्यादा रिसोर्सेज भी आ जाए, जब ज्यादा पैसा भी आ जाए, तब भी इसको करते रहना है, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया लगातार चलने वाली जीवन भर, क्योंकि हम जीवन भर चाहते हैं कि हमें ज्यादा मिले, हमारी इनकम ज्यादा हो, और इनकम बढ़ती रहे जीवन भर, तो हम भी बढ़ते रहने चाहिए। ये नहीं चलेगा कि हम तो वहीं रहेंगे, हम अपना स्तर सुधारेंगे नहीं, और फिर कोई हमारी इनकम आकर के बढ़ा दे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो इनकम पर फोकस नहीं करना, इनकम बढ़ाने पर नहीं, अपनी वैल्यू एडिशन पर फोकस करना है कि आपकी वैल्यू ज्यादा हो, आपकी वर्थ ज्यादा हो, आपके एक एक मिनट एक एक सेकंड की वैल्यू आज कितनी है, और उसे अगले साल उससे डेढ़ गुना दो गुना करना है, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और फिर देखेगा जो समय आप दे रहे होंगे वो क्वालिटी टाइम होगा, लोगों को जो प्रोडक्ट जो सर्विस आप दे रहे होंगे उसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर अगर वाकई उसकी वर्थ है, यदि वाकई लोगों को पैसा दे करके संतुष्टि मिलती है, उनको लगता है कि हाँ मैंने जो पैसा खर्च किया, मैं उस सेवा से या उस प्रोडक्ट से जो भी मुझे मिला, मैं उससे सेटिस्फाई हूं, तो 10 लोगों को रिकमेंड भी करेगा, और फिर आपकी फेस वैल्यू भी बढ़ेगी, आपकी इमेज बिल्डिंग भी होगी, और फिर जब माउथ पब्लिसिटी होने लगती है तो और ज्यादा पैसा आने लगता है। रिकमेंडेशन से जो लोग आते हैं वो ज्यादा श्योर शॉर्ट कस्टमर बनने के चांसेस होते हैं, और फिर ये कस्टमर आपके क्लाइंट में भी कन्वर्ट होते हैं। तो मैंने कोशिश की श्योर शॉर्ट फॉर्मूला बताने की कि किस तरह से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। एक ही फॉर्मूला है, आपकी व्यक्तिगत ग्रोथ, अपनी ग्रोथ पर काम करिए, और उसमें मेरी अगर कोई मदद चाहिए तो मैं भी मदद करूंगा। बहुत सारी बुक्स हैं व्यक्तिगत ग्रोथ के ऊपर, बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग देते रहते हैं। जहां से चाहिए वहां से लीजिए, जहां से मिल सकती है वहां से लीजिए, जहां आपको मन करे वहां जाइए, लेकिन कम से कम अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ पर काम करिए। और देखिए, एक साल किसी को मत बोलिए, किसी को मत बोलिए वो आपको ज्यादा पैसा दे, किसी को मत बोलिए वो आपकी सैलरी बढ़ाए, अपने ऊपर मेहनत करते रहिए, और फिर लोग खुद खुद देंगे, आगे बढ़कर के वो कहेंगे कि हम आपकी सैलरी बढ़ाने को तैयार हैं। आपसे मिलने वाली जो वैल्यू है, जो वर्थ है, जो जो हमें चीजें मिल रही हैं, वो जो हम दे रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा है, तो फिर लोग आपको वाकई ज्यादा पैसा देना शुरू कर देते हैं, ज्यादा सम्मान देना शुरू कर देते हैं, ज्यादा रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं, और आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। मैंने कोशिश की आपको गाइड करने की, समझाने की किस तरह से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप श्योर शॉर्ट फॉर्मूले इस्तेमाल करके सफल हो सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट बात करें, डायरेक्ट बात करिए, कोशिश करूंगा आपको गाइड कर पाऊं। आज के लिए इतना ही, आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।